स्त्रियों को पुरुषों को बुला करके कारागृह में डाल दो। कंस कहने लगा, बाबा जानबूझ करके हम मुझे मरवाना चाहते हो। बोले क्यों? बोले अयमाने सर्प हीर माने मारने वाला, अगर बगैर बात के अहीरों को छेड़ दिया तो मौत को दावत देनी होगी, मौत को निमंत्रण देना होगा। अरे भाई उन्हें जेल में तब डाल दिया, कोई राज नियम उल्लंघन हो तब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, मुकदमा लगा दे। लेकिन दरोगा जी, बिना राज नियम उल्लंघन के किसी को छेड़ना गलत बात है। बिल्कुल। कंस कहने लगा, तुम जानबूझ करके मौत के मुंह में झोंकना चाहते, मरवाना चाहते मुझे, अगर बगैर बात के यदुवंशियों को छेड़ दिया तो मौत को निमंत्रण देना होगा। आय माने सर्प ही माने मारने वाला। भक्तो भाई, राजनीय में उल्लंघन तो होना चाहिए बाबा जी, ऐसे कैसे जेल में डाल दिया। माता बहन उसी समय नारद बोले, कंस तुम्हें ऐसी अकल बता दे कैसे, मगर लाठी कंस पैरों में पड़ गया, बाबा ऐसी अकल बता दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। नारद बोले, सुनो तुम मेरी अकल पर चल जाओगे आशा नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारा कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मेरी बात सुनो। कहो मनोहर।